हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवीएस ज्ञान में। मैं हूं विकास, आपका होस्ट। दोस्तों, आज मैं व्हाट्सएप के बारे में कुछ बात करूंगा आपसे। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप लगातार अपने फीचर्स को अपडेट करता रहा है। एक्चुअली व्हाट्सएप के जरिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और काफी ज्यादा हमें फायदा भी मिलता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मल्टीपल फॉरवर्ड मैसेजेस हो जाते हैं, कुछ अफवाहें भी फैल जाती हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता चल पाता है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम काफी कुछ अपने काम आसान कर सकते हैं, लेकिन काफी चीजें हम खराब भी कर सकते हैं। उसी का कुछ लोग मिसयूज करके अफवाहें फैलाते हैं और दंगे प्रचार करते हैं और कुछ भी गलत कार्य करना चाहते हैं वो सोशल मीडिया का यूज करके करते हैं। लेकिन इसी चीज को रोकने के लिए लगातार व्हाट्सएप नए नए फीचर्स लेके आ रहा है। कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अब भी उसके अंदर हैं लेकिन हमें पता नहीं है, लेकिन कई सारे फीचर्स उसने नए इंस्टॉल करे हैं। तो आइए उन्हीं फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट्सएप के फ्रीक्वेंटली फॉरवर्ड मैसेज के बारे में। ये एक नया फीचर इंस्टॉल किया है व्हाट्सएप ने। इसके जरिए कोई भी मैसेज अगर 5 बार से ज्यादा फॉरवर्ड किया हुआ है तो उस मैसेज के फॉरवर्ड में ये लिखकर आएगा कि वो 5 बार से ज्यादा फॉरवर्ड किया जा चुका है। यानी कि आपको उस मैसेज को देखकर ही पता चल जाएगा कि ये एक बार फॉरवर्ड किया हुआ है या 5 बार फॉरवर्ड करा हुआ है, या किसी का रिसेंटली टाइप करके भेजा हुआ या फर्स्ट टाइम भेजा हुआ मैसेज है ये। इससे कोई भी अफवाह, कोई भी ऐसी चीज आती है तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि किसी बंदे ने इसको बहुत ज्यादा फॉरवर्ड किया है या सिर्फ रिसेंटली आपको ही फॉरवर्ड किया है। इस मैसेज पर डबल एरो का आइकन बना होगा। जब भी ये फॉरवर्ड मैसेज आप किसी को फॉरवर्ड करेंगे तो फौरन यूजर के पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद नया दूसरा फीचर है व्हाट्सएप ग्रुप इनविटेशन। ये पहले से फीचर है लेकिन काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। इसके थ्रू आप अगर चाहते हैं कि आपको कोई अपने ग्रुप में ऐड आपकी परमिशन के बिना ना करवाए तो ये फीचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है कि हम अगर कहीं पर स्कूल, कॉलेज या किसी जॉब में अपने जुड़े होते हैं तो बहुत से लोग नए नए ग्रुप्स बनाते हैं ग्रुप एडमिन बनने के लिए और उसको हमें अपने में ऐड कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वो हमारे अच्छे जानने वाले होते हैं, हम चाह के भी उसको नहीं हटा पाते हैं, लेकिन उस पे जो लगातार मैसेज आते हैं उससे हम इरिटेट भी होते हैं। फिर हम उसको हटाते हैं, यानी कि हम उसको हाइड हो जाते हैं या फिर एग्जिट हो जाते हैं, तो हमें कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर हमारे संबंध भी खराब होने की दिक्कत होती है। हम नहीं चाहते कि हमारी परमिशन के बिना कोई हमें ग्रुप में ऐड कर सके, तो ये फीचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको प्राइवेसी में जाना होगा, सेटिंग्स के अंदर जाके, और उसमें आपको एक ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। ग्रुप में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, नोबडी ऑप्शन, माय कॉन्टेक्ट्स ओनली एंड एवरीवन। यानी कि इन 3 ऑप्शंस के थ्रू आप जैसा चाहें चूज कर सकते हैं। अगर आपने नोबडी चूज कर लिया है तो कोई भी आपको अगर अपने ग्रुप में ऐड करना चाहता है तो वो आपको ऐड कर नहीं कर पाएगा। जैसे ही वो ऐड करने की कोशिश करेगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको 72 घंटे के अंदर उसको एक्सेप्ट करना होगा, यानी कि ऐड होने के लिए अगर आप चाहते हैं ऐड होना तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप 72 घंटे में एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो नोटिफिकेशन एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इस फीचर को यूज करिए अगर आप फालतू के ग्रुप में ऐड होना नहीं चाहते हैं तो। व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन दे दिया है। यानी कि सेटिंग्स में जाके, आप प्राइवेसी में जाके फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन अगर ऑन कर देते हैं तो आप अपने व्हाट्सएप को अपने फिंगरप्रिंट के थ्रू अनलॉक कर सकते हैं। इसके थ्रू आप अपने मैसेजेस को, नोटिफिकेशन जो है उसको भी हाइड कर सकते हैं। ये फीचर अभी एंड्रॉयड के बीटा वर्जन में उपलब्ध है, और अगर आपके पास आईफोन है या आईपैड है तो इसमें आपको फेस आईडी और टच आईडी के थ्रू आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। इसके थ्रू आपकी प्राइवेसी काफी हद तक बढ़ जाएगी। जरूरी नहीं है कि हर जगह आप पैटर्न लॉक या कोई और लॉक डालें। नया फीचर है कंसेक्यूटिव वॉइस मैसेजेस। ये एक ऐसा फीचर है कि बहुत से लोग क्या होते हैं कि टाइप करना नहीं चाहते हैं, इरिटेट होते हैं, वो सिर्फ वॉइस मैसेज के थ्रू बातें करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, वॉइस मैसेज में आपने एक भेजा, दूसरा पहुंचा, फिर वो उस पर जब टच करेगा तभी वो वॉइस मैसेज सुनाई देगा। यानी वो अगर लगातार लंबी बात करें तो उसको बार बार टच करने की जरूरत पड़ेगी उन वॉइस मैसेज को सुनने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक फीचर के थ्रू, कॉन्सिक्यूटिव वॉइस मैसेज के थ्रू, अगर आपने एक वॉइस मैसेज को टच करके रीड कर लिया, यानी कि आपने एक वॉइस मैसेज को टच करा और सुन लिया, उसके बाद उधर से जितने भी वॉइस मैसेजेस आएंगे वो ऑटोमेटिकली आने के बाद फौरन रन हो जाएंगे, आपको उनको टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ऐसा होगा जैसे कि आप पूरे बात करी
आपके पास मैसेज आ गया, फौरन वो आपने सुन लिया बिना कहीं उंगली लगाए, सेम जैसे कि आप नॉर्मली बात करते हैं उस तरीके से ये काम करेगा। तो यानी कि आपको काफी हद तक ये इरिटेशन से बचा देगा। फ्रेंड्स, ये थे व्हाट्सएप के कुछ ऐसे फीचर्स जो हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स जो मैंने आपको बताया वो पहले से हैं लेकिन हम लोग यूज नहीं करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन भी बटन दबाइए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और मैं आपको ये अच्छी अच्छी जानकारियां जल्द से जल्द देता रहूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। बाय बाय।